अम्बाला के जनसुई गांव में एक 3 साल की अपाहिज बच्ची से बलात्कार का मामला सामने आया है। इस संबंध में बातचीत करते हुए एएसपी अम्बाला चंद्रमोहन ने बताया, दिनांक 27 अगस्त को थाना नगल के अंदर एक कंप्लेनेंट आए थे, मुदई थे, तो इन्होंने बताया कि उनकी बच्ची के साथ इसी तरह से, जो उनके पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी ने उनके साथ इस तरह की गलत हरकत की है। घटना की स्थिति उन्होंने दिनांक 15 अगस्त की बताई है। जैसे ही हमें ये सूचना मिली, मौके पर हमारी महिला पुलिस थाने से, जो हमारी SHO साहब है, उसके अलावा जो थाना नगल से SHO साहब, और उसके बाद मैं भी गया था, हमने मौके पर विजिट किया और बच्ची से जिस तरह से प्रारंभिक में हमने उससे पूछने की कोशिश की भी किस तरह से उसके साथ गलत हुआ, तो हमारे सामने आया कि उस व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ अपने घर ले जाकर उसके साथ जो सेक्स करने की जो कोशिश की है और उसके साथ जो भी गलत काम किया, तो इसकी सूचना मिलते ही हमने फिर उसके ऊपर FIR दर्ज की। FIR नंबर 83 है ये महिला पुलिस स्टेशन की, और उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके अभी जुडिशियल भेज दिया गया है। और बच्ची के पहले बच्ची के बयान में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि बच्ची की उम्र काफ़ी कम है और वो मजिस्ट्रेट के सामने बोलने से थोड़ी हिचकिचा रही थी, पर कल हम बच्ची के बयान लेने में कामयाब हुए हैं और साथ ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे बच्ची के बयान हो चुके हैं, तथा इसके अलावा जितने भी मेडिकल के जो नमूने हमें FSL भेजने हैं वो सभी तैयार हैं। जल्दी वो भेज कर हम जल्दी से जल्दी इसका चलान कोर्ट में इसका पेश करेंगे। देखिए, मैं स्वयं और जाकर मुदई पक्ष से मिला हूँ, तथा उन चीज़ को इस चीज़ के प्रति आश्वस्त किया गया है कि आपको इस तरह का किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस तरह कोई दबाव देने की कोशिश करता है तो आप सीधे पुलिस स्टेशन आइए। आप पे बिल्कुल भी किसी इस तरह के जो पंचायत या पंचायती फैसलों पर बिल्कुल नहीं जाना। देखिए, इस तरह की जो एक, जिसे हम कहेंगे बहुत ही घिनौनी हरकत है, इसमें पूरा प्रशासन तथा आम आदमी भी यही चाहेगा कि जिस व्यक्ति ने इस तरह की घटिया हरकत की है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने आती है, अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।